साल 22 साल से मैं लगा हुआ हूँ। अकाल पड़ा था अपने गांव में बहुत ज़ोरदार, एक एक गिलास पानी के लिए तरसते थे लोग। जब मैं भी छोटा था तो मैं देखता था कि किस कारण, फिर समाचार सुनता था कि पेड़ों से बारिश होती है और इस कारण ये पानी नहीं बरसता, ज़्यादा पेड़ ज़्यादा चाहिए थे, बारिश ज़्यादा होती है। तो मैंने उसी टाइम देखा कि अपन भी क्यों नहीं इसमें हाथ बढ़ाए। मैं गाड़ी चलाता था पहले, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ एक पैर से मैं विकलांग हूँ। फिर मैंने देखा था तो अपने पास पैसा भी नहीं है और मैं गरीब स्थिति में हूँ, तो फिर ये जो पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, नीम के पेड़ अपने आप उगते हैं कई वर्षा से, वहाँ से ले जा के मैं बोता हूँ स्कूलों में, गोड़वा, कैलाशपुरी, नेगड़िया और पूरे गांव में कई जगह मैंने पेड़ बोए हैं। शिक्षा देता हूँ अगले को भी कि भाई बिल पत्र क्या काम आता है, पीपल क्या काम आती है, नीम क्या काम आता है। वट वृक्ष बोने से अपने गाँव में सिंचाई का जल स्तर ऊँचा रहता है, बल्ले का वृक्ष बोने से सिंचाई पानी का जल स्तर ऊँचा रहता है, ये पौराणिक कथा भी है। आप जो पेड़ लगाते हैं उस पेड़ को देख के गांव के लोगों ने किस तरह से आपका सहयोग किया और आपका साथ दिया? हाँ साहब, मेरे नागरिक विकास मंच था अपने डेलवाड़ा में, वहाँ बलवीर सिंह जी और रमेश जी पालीवाल थे सचिव अध्यक्ष, उन्होंने मुझे देख के कुछ हेल्प किया। मैंने कहा साहब मेरे को ट्रिगर दे दो, जिससे बस स्टैंड पर कोई छाया नहीं थी डेलवाड़ा बस स्टैंड पर, तो उन्होंने मेरा सहयोग किया, ट्रिगर दिए 10-15, जैसे मैंने पीपल के वृक्ष लगाया। अभी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और लोगों की दुकानें लग रही है, लोग छाया में बैठते हैं। बचपन था मेरा, 10-11 साल का था, मेरे पिताजी छोटी छोटी गोलियाँ देते थे मेरे को, फिर छोटी मटकी से पानी मंगवाते थे और ऐसे फूल पत्ती है, मेहंदी के पेड़, जाफल, अमरूद के पेड़ बोते थे। वो पैसा दे के मेरे को, मतलब गोलियाँ दे के प्रकाशित करते हैं कि बेटा इसमें पानी डालो, इसके जाफल लगेंगे, अमरूद लगेगा, दाड़म लगेगा, मेहंदी लगेगी, मेहंदी हाथों के लगाएंगे, ये पत्तियाँ। तो वह जब तो वह पिताजी कहते थे तो वो अब मेरे को लग गया कि वह पेड़ चाहिए, बोता रहूँगा और आगे भी शिक्षा ये देता हूँ कि कोई भी मनुष्य हो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोए। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमें भी चैन सिंह जी की तरह स्वस्थ वातावरण रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन सुचारू रूप से चल सके। मैं शंभू राजस्थान के राजसमंद जिले के देवड़ा गाँव से, इंडिया अनहट के लिए।